हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और मैं फिर से हाजिर हूँ नवरात्रि का यानी दुर्गा पूजा का तीसरा पार्ट लेकर। आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। फिर आप लोगों को इसमें एक माता जी की मूर्ति दिखाई देगी ऐसी जो अरहर और मटर के बीज से बनी हुई है। तो अभी हम लोग चौक और बाटा गली से होते हुए आप पहुँचे हैं घंटा घर के पास। ये है ठठेरी बाज़ार, सुल्तानपुर में ठठेरी बाज़ार है। और जो काफ़ी भीड़ उधर भी जो है पीछे से आप देख सकते हैं, उधर भी मूर्ति लगी हुई है, लेकिन उधर हम लोग नहीं जाएंगे। अब सीधे हम लोग घंटा घर होते हुए निकलेंगे सब्जी मंडी वाले रोड पर, क्योंकि अगर उधर जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, मतलब देर भी हो जाएगी, भीड़ भी हो जाएगी, तो भीड़ में जाना नहीं चाहते हैं। अब इधर हम लोग ऐसे घंटा घर होते हुए सब्जी मंडी होते हुए और आगे आप लोगों को मूर्ति दिखाते हुए निकल जाएंगे घर। और कुछ शायद खाएंगे पियेंगे भी, भाई मेले में आए हैं तो कुछ खाए पिए बगैर निकल जाए ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी, मतलब हाथ उठा के, कि आप लोग पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। लेकिन अच्छा भी लग रहा था क्योंकि बहुत, मतलब 2-3 साल के बाद तो शायद अच्छे से दुर्गा पूजा लगा हुआ है। और हम लोग पहुँच चुके हैं अब बड़े वाले हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। और ये हनुमान जी की मूर्ति जो है बहुत बड़ी सी है, इसमें तो छोटी दिखाई दे रही है वीडियो में, पर है बहुत बड़ी, जो घंटा घर के सामने हर साल लगती है। और अब हम लोग आ पहुंचे हैं फैजाबादी चाट भंडार, जो सुल्तानपुर की बहुत ही फेमस चाट भंडार है। और यहाँ का चाट बहुत ही अच्छा होता है। मेले में कोई आए और यहाँ का चाट ना खाए तो फिर समझ लीजिए बेकार है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। अब तो मतलब बहुत सारे, मतलब ऐसे, मतलब स्टॉल लगने लगे हैं चाट के, वरना पहले तो फैजाबादी वाले ही बहुत फेमस थे। तो अभी हम लोग यहाँ पर पैक करवाएंगे, खाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी भीड़ में कौन बैठकर खाएगा। तो पैक करवा के हम लोग घर चलेंगे लेकर। और रास्ते में चलते हुए जितनी भी, मतलब जितने भी पंडाल पड़ेंगे सब आप लोगों को दिखाएँगे। और ये देखिए चंदा मामा कितने अच्छे से दिख रहे हैं। और ये है NY मॉल, तो NY मॉल है इसके, पता नहीं NY है कि NY बे है क्या है, लेकिन ये मॉल है। इसके ऊपर चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं और हम लोग चाट पैक करवा लिए हैं। और कहीं कहीं से भंडारे में जो प्रसाद मिलता है वो भी लिए हुए हैं। भाई भंडारे का प्रसाद तो नहीं छोड़ सकते ना, माता जी का प्रसाद है, साल भर में एक बार आता है। चलो यहाँ हम लोग पियेंगे फालूदा, और ये हमने लिया है आगे वाले में। हाँ मेरा घूम रहा है, चली है एक ने पास। और साल भर का समय बहुत लंबा होता है, क्योंकि इंसान का एक दिन का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो इसलिए जो भी सामने आए एंजॉय कर लेना चाहिए। तो हम लोग प्रसाद भी ले लिए हैं और अब चाट भी पैक करवा लिए हैं। तो अब सामने दिखाई दे रहा है बादाम शेक फालूदा, तो अब चल रहे हैं हम लोग फालूदा पियेंगे और मेले का फुल एंजॉय करते हुए और जगह जगह का पंडाल दिखाते हुए आप लोगों के साथ वीडियो ब्लॉग शेयर करते हुए घर पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है बादाम शेक, अब पी लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। तो अभी हम लोग आ पहुँचे हैं गोलाघाट, और यहाँ की जो माता जी हैं ये मतलब हर साल अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती हैं। और ये इस बार माता जी बनाई गई हैं अरहर और मटर के बीजों से, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप बहुत ही बारीकी से आप देखिए कितनी खूबसूरत सी बनाई गई हैं, और एक एक दाना कितने अच्छे से जड़ा गया है कि पता ही नहीं लग रहा है कि ये अनाज के दानों से, मतलब मटर या अरहर, मटर और अरहर के दानों से बना हुआ है। इनका पूरा श्रृंगार जो है मटर और अरहर के बीजों से बना हुआ है, इसलिए मैंने थोड़ा बारीकी से आप लोगों को दिखाया है कि आप लोग देख लीजिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है माता जी का श्रृंगार, इनका लहंगा और ये जो माता जी का सिंहासन है। तो अभी हम लोग गोलाघाट पर लगी हुई दूसरी मूर्ति की तरफ चलते हैं, यानी दूसरे पंडाल की तरफ चलते हैं, और ये लास्ट पंडाल है और दुर्गा पूजा का लास्ट वीडियो है और लास्ट पंडाल भी है। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ की भी माता जी कितनी खूबसूरत लग रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। तो आज का दुर्गा पूजा तो मतलब यहीं पर समाप्त होता है, और मैंने आप लोगों के साथ दुर्गा पूजा का दो दो वीडियो शेयर किया है। आप लोगों ने ज़रा भी कमेंट करके नहीं बताया कि आप लोगों को दुर्गा पूजा का वीडियो कैसा लगा, और सुल्तानपुर की जो सुल्तानपुर का जो दुर्गा पूजा होता है वो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट करके ज़रा बता तो दिया करिए कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर भी शेयर करूँ आप लोगों के साथ। तो दुर्गा पूजा देख के हम लोग आ चुके हैं घर, और अभी 9:30 बज रहा है, 9:35। तो और पूरा नहीं घूमे हैं, क्योंकि मतलब 100% का 1% हम लोग घूम कर आए हैं। इतने में ही इतनी हालत ख़राब हो गई हम लोगों की, इतनी हालत ख़राब हो गई कि पूछिए मत, क्योंकि इतनी भीड़ बम्पर भीड़ बढ़ गई है, और मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी घूमने में। हम मतलब किसी तरह से वीडियो बना लिए हैं, और जो भी बनाए हैं पूरा डिटेल में बनाए हैं, और आप लोग देखिएगा, इन्जॉय कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और घर बैठे सुल्तानपुर के दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।